हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो मार्केट थी काफी इंटरेस्टिंग रही। मार्केट में सुबह जो है एक सेलअप मिला, फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन करके एक और डीप सेलिंग दी। मतलब आज की मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग देखने के लिए मिली है। इस वीडियो में हम जो है आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ कल जो है वो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पे क्या मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो ट्रेंड हुआ है, मार्केट जो नेगेटिव हुई है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, पूरी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी सुबह आज जो है इस जोन के आसपास तकरीबन ओपन हुआ, फिर यहां से जो है एक जब कल का डेलो टूटा तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ ऊपर गई और फिर यही सेम प्राइस जो आज कल की क्लोजिंग प्राइस थी, इसने एज अ रेजिस्टेंस काम करके फिर एक सेलिंग देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। इसके बाद से फिर जब लो टूटा, पुल बैक हुआ, सेलिंग मिली, यहाँ पे मार्केट ने आके काफी शानदार सा जोन बनाया था। जब हम लाइव में थे ये पर्टिकुलर एक जोन बना हुआ था और मैंने बताया था कि जब ये जोन टूटेगा तो एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा। सेम एग्जैक्टली वही चीज हुई, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया था, ठीक है, और तकरीबन 2 बजे के आसपास, 2:20 के आसपास यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया और सीधे सीधे बहुत ही शार्प फॉल देखने के लिए मिला। जो 300 वाले प्रीमियम थे वो सीधे सीधे 500, 550, 600 ऐसे गए, ठीक है। इवन मैं एक बार आपको अपना ट्रेड दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने ट्रेड किया था लाइव में, हम सब लोगों ने जो है वो जो ट्रेड किया था, तो एक बार मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है सुबह मैंने एक ट्रेड किया था, ये पर्टिकुलर वाला 630 क्वांटिटी बाई करी थी, ऑलमोस्ट 320 के आसपास बाइंग था और 370 के आसपास सेलिंग था। 30,000 रुपए पर्टिकुलरली यहाँ पे बने थे। और जो शाम वाला ट्रेड था जो मैंने लिया था सबके साथ में, वो यहाँ पे 615 क्वांटिटी थी, 311 पे वही मेरी एंट्री प्राइस थी जो हमने प्रीमियम सेलेक्ट किया था, और 360 के आसपास मैंने सेल किया था। ऑलमोस्ट ये 370-375 गया था, तो फिर वही जब रिवर्स कर रहा था तो यहाँ पे मैंने सेल किया था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27,900 बने थे। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखें आज के दिन का, तो 57,500 के आसपास ये मेरा आज का टोटल प्रॉफिट रहा था, ठीक है, ये पर्टिकुलर आज के दिन का प्रॉफिट था। और जो भी ट्रेड्स थे सबके साथ ही हुए थे, और किस किस जगह पे हुए थे वो जगह भी मैंने आपको एक बार बता के रखी थी। तो वही जो चीज मैंने बताई कि सबसे पहली कैंडल का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे 1 फुट का ट्रेड हुआ था, फिर उसके बाद से यहाँ पे मार्केट ने जब जोर बनाया था ब्रेकडाउन दिया था, तो एक ट्रेड यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब ये तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब एग्जैक्टली और आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है अगर आप बैंक निफ्टी में प्लान करना चाहो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी एक रेंज बन चुकी है, ठीक है। कल के दिन में अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर इसी एक पर्टिकुलर रेंज में जो है बैंक निफ्टी ओपन होता है, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है, यहां से। तो अगर कल के दिन में जो है बैंक निफ्टी इसी पर्टिकुलर जोन में खुलता है, यहीं कहीं जो है बैंक निफ्टी खुलता है, और ये जोन आप जो है मार्क कर लेना, ठीक है, और इसी जोन में खुल के अगर नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो एक और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आज जो भी ये कॉल खरीद के रखे थे इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बायर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, ठीक है, तो वो सेलिंग में होंगे, ठीक है, सेलिंग में आए बहुत सारे लोग ट्रैप हुए। अब ये क्या उम्मीद कर रहे होंगे ना इस पर्टिकुलर जगह पे, ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कल मार्केट में एक रिवर्सल देगा, तो वो चीज मार्केट नहीं करता है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जोन में खुलने के बाद अगर नीचे तोड़ेगा तो एक और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। मुझे पर्सनली यही लगता है कि एक और सेलिंग प्रेशर करके दिन में देखने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली मिलना चाहिए। तो सिंपल जोन में खुलेगा, नीचे का ब्रेकडाउन देगा, सेलिंग ट्रेड वहां पे क्लियर आप लोगों के लिए बन जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आई है जिसने सबको तोड़ा है, ठीक है, सारी चीजों को तोड़ते हुए एंड पैटर्न बनाते हुए काइंड ऑफ एक बड़ी सी कैंडल आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे जो है एक रिवर्सल की जो होप दे सकती है आप लोगों को, एक ही चीज यहाँ पे जो है रिवर्सल का उम्मीद दे सकता है, वो है ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट को रिवर्सल देना होगा तो इसी ट्रेंड लाइन से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। आप देखो यहाँ पे एक रिवर्सल मिला, यहाँ पे रिवर्सल मिला, और इस जगह से भी एक रिवर्सल मिला था एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले। तो यही एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी को बचा सकती है नीचे ना जाने से। अगर इसका कल के दिन में ब्रेकडाउन आ गया तो सेम वही सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। पहले खास से पहला टारगेट फिर आपका ये निकल जाएगा इस पर्टिकुलर जोन तक, कौन सा है, 46,800, फिर उसके बाद से फिर अगला टारगेट इस जोन तक 46,400 तक। ये दो जोन के टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें फिर निफ्टी की, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे फिर निफ्टी, बिकॉज कल उसकी एक्सपायरी है। तो हीरो जीरो कैसे बनेंगे वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे फिर निफ्टी जो है लगा लेते हैं। फिर निफ्टी में भी भाई देखो वही सेम चीज बन रही है। सेम चीज क्या बन रही है, ट्रेंड लाइन। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सेम वही ट्रेंड लाइन और फिर निफ्टी में भी सेम वही ट्रेंड लाइन। तो आप लोग अपने चार्ट में मार्क कर लेना, अगर ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है कल के दिन में, तो कल जो पुट्स के प्रीमियम रहने वाले हैं ना वो काफी एक अच्छा मूव दे सकते हैं पर्टिकुलरली कल के दिन में। और अगर रिवर्सल देना होगा तो यही मार्केट खुल के थोड़ा सा टाइम पास करके थोड़ा सा पुल बैक लेने जाएगा,
तो आप ऊपर के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड लाइन मार्क हो गई। अब जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं देखने की एग्जैक्टली कैसे आप जो है फिन निफ्टी को ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी का ट्रेड प्लान क्या एग्जैक्टली कल के दिन में रहने वाला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं। तो फिन निफ्टी में भी क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर जोन था ना मार्केट के लिए काफी एक अच्छा सपोर्ट था। कितना था? 21,400 के आसपास ये जोन था, 350 के आसपास ये पर्टिकुलर जोन था। यहाँ पे फिन निफ्टी यहीं से एक रिवर्सल दिया था, ठीक है, फिर इसी जगह पे आके सपोर्ट क्रिएट करा था और जैसे क्योंकि डीप सेलिंग प्रेशर आई है तो अब ट्रैप कौन हुआ यहाँ पे, जो बायर्स है ना, ये जो यहाँ पे जो भी बायर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ट्रैप हुए हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी बायर्स थे ना ये लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है, थीके? और बहुत सारे ऐसे सेलर्स भी होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया होगा, ठीक है, इन सेलिंग प्रेशर में। तो इसीलिए ना इस जगह ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कल के दिन फिर निफ्टी वापस भी यहाँ पे आता है ना तो यही चीज एज अ रेजिस्टेंस आपको काम करने वाली है, यही चीज मार्केट को रोकेगी और यहीं से एक रिवर्सल फिर से हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस जोन को मार्क कर लेना, अगर गैप अप खुल के मार्केट गैप अप लेट सपोज यहाँ पे खुल के और अगर ऊपर भी जाती है तो यही प्लेस मार्केट को रोकने वाली है, यही चीज फिर निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगी, ठीक है। तो सेम चीज एक काम कर लेना, ऊपर का तो आपको ट्रेड प्लान समझ में आ गया कि ये चीज एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाली है, इस जगह पे 5 EMA वगैरह अगर फिर निफ्टी में मिलता है तो सेलिंग करनी है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज और क्या हो सकती है, दूसरा प्लान और क्या हो सकता है, मार्केट ने फिर निफ्टी में भी एक यहाँ पे जोन दिया हुआ है, इस जोन में खुल के अगर मार्केट लो को ब्रेक डाउन करे यहीं खुल के और अगर पहली कैंडल ऐसे इसके नीचे पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाए तो फिर से कम 100-200 पॉइंट की सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है फिर निफ्टी में। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेड कहीं ना कहीं बनना चाहिए बिकॉज एक जो एक्सपेक्टेशन होती है जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आज का देखने के लिए मिला है, अगर फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देगी तो सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और बाइंग का क्या प्लान करना है, बाइंग में होपफुली यही जोन है, ठीक है। बाइंग थोड़ा सा उतना क्लियर परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं दिख रहा है बट यही जोन है, इसी जोन में खुल के ऊपर का कहीं ब्रेकडाउन देगी तो यहां तक का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इस पॉइंट का जो है एक टारगेट हो सकता है बाइंग में देखने के लिए मिले इस पॉइंट तक का, अगर यहाँ पे ऊपर का ब्रेकडाउन दे तो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्लियर फिर निफ्टी का प्लान समझ में आ गया होगा किस हिसाब से ट्रेड करना है, सबसे बेस्ट क्या मामला बनेगा इस जोन पे, अगर आके यहीं पे 5 EMA बने तो सेलिंग प्रेशर एक मजा देखने के लिए मिलेगा और अगर डे लो टूटे तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसी जगह पे हीरो जीरो ट्रेड्स वाले एक्चुअल जो होता है ना कि 20 वाला जो है वो 200 पहुंचता है, इन्हीं जगहों पे जो 20 वाले प्रीमियम है वो 200 पहुंचते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज का आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसा था, क्या स्ट्रक्चर था। सेलिंग प्रेशर अगर कल मिलेगा तो ज्यादा मजा आता ट्रेड करने में, मुझे भी इसी होप के साथ कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। पर्टिकुलरली प्रॉफिट आज का देख लिया आपने, मुझे उम्मीद है आज का मार्केट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं देवांश आपको मिलता है किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।